दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे कमाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिना मेहनत किए ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे जिनके हाथ अचानक लगे पैसों ने उन्हें अमीर बना दिया। ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप भी कहेंगे, भाई क्या लकी लोग है ये, और लास्ट वाला तो आपको और भी चौंका कर रख देगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। दोस्तों, आपने शायद क्लॉ मशीन को तो देखा होगा, जो कि एक गेम की तरह होती है जिसके बाहर एक कंट्रोलर लगा होता है और जिसकी मदद से आप अंदर दिए गए मैकेनिज्म से क्लॉ को कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल आपको उसके अंदर की चीज को उठाकर सही जगह पर डालना होता है। ये करने के लिए आपको पहले इस मशीन में पैसे डालने पड़ते हैं। यदि आप अंदर से कुछ निकालने से चूक गए तो समझो आपके सारे पैसे गए। लेकिन ये जो मशीन आप अभी देख रहे हैं वो जरा अजीब है, जिसमें एक डॉलर से लेकर 100 डॉलर के नोट्स रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल असली है। इसे खेलने के लिए आपको इसमें 5 डॉलर डालने पड़ेंगे, जो कि भारत के 300 रुपए के लगभग है। यदि आप सही खेलते हैं तो लगभग आप 8000 तक जीत सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने यह रिस्क लेना ठीक समझा और इस शख्स ने 25 डॉलर खेले और बदले में उसने 35000 जीते। अब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब ऐसी मशीन भारत में आए और मैं इसे ट्राई करूँ। क्या आप भी इस मशीन को ट्राई करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, अगर इस मशीन को भारत में लाया जाए तो लोगों का कैसा रिएक्शन रहेगा? हमारी अगली स्टोरी जरा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, आप एक स्टोरेज यूनिट खरीदते हैं, यानी कि गैराज, और आपको अंदर एक बैग दिखाई देता है जो पूरा पैसों से भरा हुआ है। और उसके अंदर के पैसों को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलता है कि सारे नोट पर छपे चेहरे को काट दिया गया है, तो आपका मुंह देखने लायक होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है कैलिफोर्निया में बसे एक इंसान के साथ। उस व्यक्ति ने 400 डॉलर देकर उस गैराज के अंदर का सारा सामान खरीद लिया, जिसमें एक पुराना बक्सा भी था जो कि 24000 डॉलर कैश से भरा हुआ था, यानी कि लगभग 17 लाख रुपए। पर उन सारे डॉलर्स के ऊपर के चेहरे हटाए गए थे। शायद उस गैराज के पहले मालिक को नोटों के ऊपर का चेहरा कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन चेहरे कटे हुए नोट होने के बावजूद बैंक ने उन सारे नोटों को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक डॉलर का सीरियल नंबर अच्छे से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, बिटकॉइन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, एक ऐसा कॉइन जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए है। बिटकॉइन अपने लॉन्च होने के एक साल के बाद, यानी 2010 में, महज 2 रुपए के बराबर था, पर अब यानी 2021 में इसकी वैल्यू 35 लाख से भी ज्यादा हो गई है। यानी 2010 के आसपास अगर आपने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आप करोड़पति होते। मतलब बिटकॉइन की वैल्यू करीब 10 से 11 सालों में 5 लाख गुना बढ़ गई है। क्रिस्टोफर कोच नाम के एक शख्स ने 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तभी लगभग 27 डॉलर के बिटकॉइन खरीद लिए थे। उस वक्त उन 27 डॉलर के उसे 5000 बिटकॉइंस मिले और वो उनके बारे में भूल भी गया क्योंकि उसने बिटकॉइंस को काफी हल्के में ले लिया। लेकिन 2013 में बिटकॉइंस की वैल्यू अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। तब क्रिस्टोफर को याद आया कि उसने भी कुछ बिटकॉइंस खरीदे थे। उसने जब साइट पे लॉग इन किया तो उसने देखा कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 5000 बिटकॉइंस पड़े हुए है और उनकी वैल्यू लगभग 6,64,00,000 रुपए हो गई थी। उसने केवल 2000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे थे और 4 साल में इन बिटकॉइंस ने उसे करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं तो आप इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर को यूज कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। इसे यूज करना काफी ईजी है और आप एक क्लिक में ही बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी मिनिमम 100 रुपए तक की वैल्यू का। हालांकि बिटकॉइन की वैल्यू अब तो लाखों में है, पर उसका कुछ पोर्शन मिनिमम 100 रुपए का भी आप इस ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। पर ये ऐप ट्रस्टेड कितना है? केवल पिछले 6 महीनों में इनके 3 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए केवल KYC करना जरूरी होता है, जो मैच 5 मिनट में आसानी से हो जाता है। इनका एंड्रॉइड ऐप भी है और iOS ऐप भी है। आप इनके ब्लॉग्स को पढ़कर क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी सारी अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मई 2020 में लॉन्च होने के बाद से कॉइन स्विच कुबेर $5 बिलियन, यानी कि 30,000 करोड़ से भी ज्यादा
प्रोसेस कर चुका है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करते ही आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप इस ऐप को दोस्तों में शेयर करेंगे तो भी आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन मिलेगा। और यहाँ पर आप इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना फायदे के साथ साथ रिस्की भी है, तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितने का आप रिस्क ले सकते हैं। आजकल सोने की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में एडवर्टाइजर्स ने इस चीज का सही से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने 12 किलो के एक गोल्डन बार को कांच के बॉक्स में रखा जिसकी लंबाई थी 7.8 सेंटीमीटर और उस कांच के बॉक्स को होल भी किया गया जो कि 8 सेंटीमीटर का था। और ये रूल भी रखा गया था कि जो भी इस सोने को निकाल लेगा वो सोना उसका हो जाएगा, जिस वजह से काफी सारे लोग उस जगह पर आने लगे। खैर ये तो हुई उस कंपनी की बात, लेकिन उस सोने को वहां से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। काफी लोगों ने इसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन सब असफल रहे, पर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और उन्होंने सेम साइज का एक नकली बार बनाया और देखा कि उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। और अगले दिन ट्रेनिंग करके आने के बाद उन्होंने उस गोल्डन बार को सच में बाहर निकाल लिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए 12 किलो सोने की कीमत कितनी होगी, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर सभी को बता भी सकते हैं। अमेरिका के एक शहर अरकानसास में क्रेटर ऑफ डायमंड नाम का एक पार्क है जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर डायमंड्स पाए जाते हैं और काफी सारे लोगों को वहां पर बहुत से डायमंड्स मिले भी है। इस पार्क में 37 एकड़ जगह पार्क वालों ने सिर्फ माइनिंग के लिए रखी है, जहां पर कोई भी इंसान आकर खुदाई करके जमीन के नीचे मिलने वाले डायमंड को ढूंढ सकता है। और कमाल की बात तो यह है कि किसी को भी डायमंड मिलने के बाद पार्क अथॉरिटी उसे अपने पास नहीं रखती, बल्कि जिसने उस डायमंड को ढूंढ कर निकाला है उसे वो डायमंड दे दिया जाता है। ऐसा ही कुछ 1924 में हुआ। वेस्ली बेसम नामक एक व्यक्ति को वहां पर खुदाई के दौरान एक काफी बड़ा डायमंड मिला जो कि 40.23 कैरेट और 8 ग्राम्स का था। इतना ही नहीं, वो अमेरिका में पाया गया सबसे बड़ा डायमंड भी था, जिसे अंकल सैम नाम दिया गया जो कि वेस्ली का निकनेम था। आगे चलकर ये डायमंड करीब 8,80,000 डॉलर में बिक गया जो कि लगभग होते हैं 6.25 करोड़ रुपए, और ये काफी ज्यादा है। कभी कभी तो लगता है कि हम भी खुदाई करने के लिए चले जाए उस पार्क में, क्या पता हमें भी वहाँ कोई डायमंड मिल जाए। गोल्डन मीडिया एक ऐसी टीम है जो अलग अलग आइलैंड पर जाकर कीमती धातुओं की खोज करती है। उस आइलैंड पर ज्वालामुखी भी काफी सक्रिय होता है, ये हमेशा अपने साथ कैमरा लेकर चलते हैं ताकि ये अपनी रिकॉर्डिंग एक सीरीज के तौर पर कर सके। ये टीम किसी भी मेटल को ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही इस डिटेक्टर के नीचे कोई धातु आता है तो वो आवाज करने लगता है जो कि जमीन के नीचे फंसे 1 फीट तक के धातु को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे ही उन्हें आवाज आती है वो जगह पर खोदना शुरू कर देते हैं। इनकी टीम हर सुबह मेटल डिटेक्टर लेके बाहर निकलती है और ऐसे छोटे छोटे सोने के पत्थर ढूंढती रहती है। जितना बड़ा धातु होगा मेटल डिटेक्टर उतनी ही तेजी से आवाज करके सिग्नल देता है। वैसे ही तेज सिग्नल उन्हें एक जगह से मिलने लगे। उन्हें जो चीज वहां पर मिलने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने वहां पर खोदना शुरू किया और जो सोने का पत्थर उन्हें मिला वो उनके जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा पत्थर था, जिसका वजन करीब 1.5 किलो था और ये वहां के सक्रिय ज्वालामुखी के वजह से बना हुआ था। इसके बाद हमें नहीं लगता कि उन्हें कभी फिर से कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों बैंक में लॉकर तो होते ही है, जिसका इस्तेमाल लोग अपनी कीमती चीजें रखने के लिए करते हैं। हर एक बैंक के पास इसके लिए अपना एक अलग सा लॉकर रूम होता है जो कि काफी हाई एंड सिक्योरिटी से भरा हुआ होता है। ये जो बैंक अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसे बंद कर दिया गया था। बैंक वालों ने इसके अंदर का सारा सामान भी हटा दिया था और बचा हुआ सामान कबाड़ी में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके लिए उन्हें इस लॉकर को तोड़ना पड़ा क्योंकि इन्हें एक बार बंद करने के बाद बिना चाबी के खोल नहीं सकते, इसलिए तोड़ना पड़ता है। अंदर कुछ कीमती चीजें मिलने की आशा में उन वर्कर्स ने वो लॉकर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें काफी लॉकर खाली ही पड़े मिले, लेकिन बाद में एक लॉकर में उन्हें एक लिफाफा मिला जिसमें तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपए थे। इतना ही नहीं, दूसरे लॉकर में उन्हें एक चांदी का बार भी मिला, लेकिन उन्होंने उन चीजों को खुद के पास रखने के बजाय लिफाफे पर लिखे एड्रेस पर जाकर उसके असली मालिक को देना सही समझा और उन्होंने उसे दे भी दिया। अगर आप उनके जगह पर होते तो आप क्या करते, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरी वीडियो में से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।